नमस्कार, वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में अब कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कोविड लक्षण नहीं दिखने पर नहीं करानी होगी कोविड जांच। मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख ने कहा, ढूंढ कर नहीं करेंगे लोगों की जांच। नागपुर जिले में फिर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के आंकड़े ने मारी छलांग। बुधवार को नागपुर जिले में मिले 1461 नए कोविड पॉजिटिव मरीज, 12,729 लोगों की हुई जांच और 497 मरीज स्वस्थ होने के बाद घर लौटे। और युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस व्यापारी उद्योग सेल ने किया शहर के युवा उद्यमियों को सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। मुंबई के संरक्षण मंत्री ने महाराष्ट्र में कोरोना के नए नियम बताए हैं। अब संदिग्ध मरीज कोई लक्षण नहीं रहने से उसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यह नियम ऐसे लोगों के लिए है जो किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आते थे और लक्षण दिखाई नहीं देने पर भी उन्हें प्रशासन की ओर से कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए जाते थे। महाराष्ट्र में अब आप किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आते हैं और आपके अंदर अगर कोविड के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तो अब आपका कोविड टेस्ट नहीं करवाया जाएगा। अब तक 3T के नियम ट्रेसिंग, ट्रैकिंग, टेस्टिंग के तहत अगर किसी की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी तो उससे संपर्क में आने वाले लोगों को ढूंढ कर टेस्ट करवाया जाता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नई गाइडलाइन का पालन करते हुए अब जिन लोगों में लक्षण नहीं है उनका कोविड टेस्ट नहीं किया जाएगा। यह जानकारी महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। साथ ही मुंबई के संरक्षक मंत्री होने के नाते भी उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी मुंबई महानगर पालिका ऐसे लोगों पर नजरें जरूर रखेगी। साथ ही अपने पहले के प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी बिना लक्षण वाला मरीज अगर हमारे पास आता है तो हम उसे एडमिट करेंगे। अब अगर आपके मन में इस तरह का कोई कन्फ्यूजन है कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो RT-PCR टेस्ट करवाने की शर्त है उससे छुटकारा मिल गया क्या, तो इसका जवाब है नहीं। यह नियम ऐसे लोगों के लिए है जो किसी कोरोना पॉजिटिव शख्स के संपर्क में आते थे और लक्षण दिखाई नहीं देने पर भी उन्हें प्रशासन की ओर से कोरोना टेस्ट करवाने के निर्देश दिए जाते थे। जिले में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की चिंता भी बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के मरीज भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसे देखते हुए जिला व स्थानीय प्रशासन ने टेस्ट कराना बढ़ा दिया है। वहीं बुधवार को नागपुर जिले में 1462 कोरोना मरीज पॉजिटिव मिले हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण से शहर भर में ऑन द स्पॉट RT-PCR जांच भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा नियमों का पालन न होना बताया जा रहा है। कई लोग अब भी बगैर मास्क के घूमते नजर आते हैं। वहीं साप्ताहिक बाजारों में बरडी, इतवारी परिसर में भी लोगों की भीड़ देखी जाती है। बुधवार को 1461 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें शहर के 1157 और ग्रामीण के 236 और जिले के बाहर के 68 मरीज शामिल है। बुधवार को 497 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं, जबकि जिले में अभी 5688 एक्टिव मरीज है। वहीं बुधवार को 12,729 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराई, जिनमें से 1461 लोग संक्रमित निकले। इसलिए प्रशासन द्वारा सतर्क और नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती युवा दिवस के रूप में देश भर में मनाने का क्रम बुधवार को दिन भर जारी रहा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस व्यापारी व उद्योग सेल ने स्थानीय गांधी सागर स्थित रजवाड़ा पैलेस में युवा दिवस के मद्देनजर युवाओं के सत्कार कार्यक्रम का आयोजन किया। बुधवार को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस व्यापारी व उद्योग सेल के अध्यक्ष अतुल कोटेचा द्वारा स्थानीय गांधी सागर स्थित रजवाड़ा पैलेस में युवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मेहनत और लगन के बलबूते अपने अपने कार्यक्षेत्र में अपार सफलता हासिल करने वाले युवा उद्यमी सुदर्शन शिंदे, CA वरुण पारक, करण पाटनी और अंकित चोखानी का सत्कार किया गया। इस अवसर पर शहर के नामी गिरामी व्यापारी उपस्थित थे। ये सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ इसके बाद श्री विश्वजीत, चेंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारियों के की हरदम लड़ाई लड़ने वाले कैबिनेट के अध्यक्ष भाई दिपेन अग्रवाल जी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी भाई तरुण निर्वाण जी, मेरे मार्गदर्शक उमेश तांगे जी, संजय पुगलिया जी और यहाँ पर उपस्थित सभी व्यापारी एसोसिएशन से संबंधित मेरे व्यापारी भाइयों। दोस्तों, 15 दिन पूर्व ही व्यापार व उद्योग जगत के लिए मेरा नॉमिनेशन महाराष्ट्र के आला वजीरा नाना पटोल जी ने किया। मैंने इसके पूर्व कांग्रेस में रहते हुए वार्ड से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति की, लेकिन व्यापार और उद्योग जगत मेरे लिए एक नई चुनौती लगी, तो मुझे ऐसा लगा इसकी शुरुआत आज स्वामी विवेकानंद जी जयंती के शुभ अवसर पर करूं। और मेरा सौभाग्य है कि कम समय में कोविड रहते हुए आज इसकी शुरुआत हुई। जब इसकी शुरुआत हुई तो मेरी पूरी टीम ने नागपुर शहर के 150 लोगों की एक टीम बनाई। उस टीम के अंदर विश्वजीत भगत जी, मनीष चंदानी, श्रीकांत ढोलके, रिंकू जैन, लोकेश भटिया, ऐसी पूरी टीम ने हमारी आज सवेरे 125 लोगों की एक लिस्ट बनाई। उसमें से हमने 3-4 लोगों को आपके समक्ष पेश किया और व्यापार जगत को इन्होंने जो ऊंचाइयों पर पहुंचाया, अपने परिवार का नाम रोशन किया और शून्य से विश्व का नाम निर्माण इन चारों युवाओं ने अपने परिवार के साथ किया, जिससे निश्चित रूप से नागपुर ही नहीं पूरे देश में अपने ब्रांडों को लेकर ये युवा आगे बढ़ेंगे और मैं उन्हें इस अवसर पर आज शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, हर वक्त मुझे ऐसा लगता है कि नए नए युवाओं ने नई नई चीजें खोज कर लाने के लिए अपनी प्रतिभाओं को सामने लाना चाहिए। कोविड के चलते ऐसे अनेक व्यापार इस मंदी की दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे अनेक व्यापारी है, क्योंकि व्यापार क्षेत्र से मेरा बहुत पुराना संबंध आता है। मैं देखता हूँ युवा हताश हो चुका है, युवा सुसाइड कर रहा है, कई धंधे पानी वाले डैश तक नहीं उन लोगों के निकल रहे। इन सबको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, युवाओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमने यहाँ कार्यक्रम रखा। आप यहाँ पर आए, मैं दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ और भविष्य में भी आपका ऐसे ही सहयोग मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका सबका धन्यवाद। मुंबई में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि मुंबई समेत राज्य के अहम शहरों पर ड्रोन हमले आतंकियों द्वारा रचे जा रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों को हाल ही में डार्कनेट पर पक रही इस साजिश का पता चला है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने राज्य में ड्रोन हमले की खबर की पुष्टि की है। साइबर सेल के मुताबिक आतंकी प्रवृत्ति वाले लोग डार्क नेट पर ड्रोन अटैक, केमिकल अटैक और साइबर अटैक की चर्चा कर रहे थे। डार्क नेट में टोर ब्राउजर का इस्तेमाल होता है, जो आसानी से ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉक्सी बाउंसिंग का इस्तेमाल होता है। पता चला है कि इसी डार्क नेट पर मुंबई और दूसरे अहम शहरों पर ड्रोन हमले को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। ऐसे में अब राज्य में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में फिलहाल एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। ड्रोन हमले में 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की दूरी से किए जा सकते हैं। इस हमले का पता लगाना आसान नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। इससे पहले साल 2020 में सुबह अचानक मुंबई और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई थी। मुंबई में कई घंटों तक बिजली नहीं रही। साफ था कि इस तकनीकी खराबी के पीछे साइबर अटैक ही कारण था। साइबर हमले को महाट्रांसको के सर्वर पर एक वायरस द्वारा अंजाम दिया गया था। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा था कि साइबर सेल के लिए एक नोडल एजेंसी परियोजना महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा नाम के इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 900 करोड़ रुपये का बजट अलग रखा गया है। शिवसैनिक संतोष परब पर हमला मामले में मुश्किल में फंसे बीजेपी विधायक नितेश राणे को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि राणे की जमानत की अर्जी पर सुनवाई होने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। 8 नवंबर 2021 को शिवसैनिक संतोष परब पर हमला किया गया था। इस मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे आरोपी थे। इसके बाद नितेश राणे का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, इसलिए नितेश राणे ने कणकवली सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। हालांकि इसे खारिज किए जाने के बाद राणे ने मुंबई हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी। नितेश राणे के वकील नितिन प्रधान ने आज मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी। राणे को मामले में फंसाया गया था क्योंकि मामला सुलझ गया था। हमलावर के महज बयान का मतलब यह नहीं है कि वह एक घातक हमले में शामिल था। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक चुनाव से दूर रखने के लिए साजिशें रची गई। हाईकोर्ट ने दलील सुनी और सुनवाई कल के लिए तय की। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि मामला सुलझने तक नितेश राणे को गिरफ्तार न किया जाए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईवील एविएशन एकेडमी। फ्लाईवील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईवील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईवील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईवील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, डिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। भाजपा विधायक व राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार सुबह मीडिया के सामने आकर विभिन्न विषयों पर बात की। इस दौरान बावनकुले ने कहा कि विदर्भ में पिछले 3 दिनों से हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों का काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में खेत में लगी फसल, सब्जी भाजी पूरी तरह नष्ट हो गई। इस संबंध में विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार से नुकसानग्रस्त फसल का पंचनामा कर किसानों को मुआवजा देने की मांग की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पॉलिटिक्स छोड़कर किसानों की समस्या पर ध्यान दे। 3 दिनों से विदर्भ में हुई बेमौसम बारिश से किसानों का काफी नुकसान है। चना, मौसम्बी, तुअर, कपास, सब्जी भाजी समेत खेत में लगी सभी फसल नष्ट हो चुकी है। ऐसे में ओलावृष्टि होने पर राज्य सरकार द्वारा तुरंत दखल ले जाती है और पंचनामा करने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नुकसानग्रस्त फसल का पंचनामा करने के कोई आदेश नहीं दिए हैं, बल्कि जिलाधिकारी और पालक मंत्री भी चुप बैठे हैं। जब तक जिलाधिकारी और पालक मंत्री दौरान नहीं करेंगे तब तक पंचनामे नहीं होंगे, यह कहना है विधायक चंद्रशेखर बावनकुले का। साथ ही विधायक बावनकुले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकार के पास दिन भर पॉलिटिक्स के लिए समय है, लेकिन किसानों के लिए नहीं, ऐसा आरोप भी लगाया और कहा कि 3 दिन हो गए लेकिन अब तक मुख्यमंत्री ने इस संबंध में फैसला नहीं लिया है, इसलिए जल्द से जल्द पंचनामे कर किसानों को आर्थिक मदद देने की मांग चंद्रशेखर बावनकुले ने की है। 3 दिवस झाले पूर्व विदर्भ पश्चिम विदर्भामधला कापूस, तूर, हरभरा, गहू, मोसंबी, संत्रा, पालेभाज्या सारच गेलं आणि जेव्हा गारपीट होतं तेव्हा सरकारला त्याची तात्काळ माहिती होतं, मुख्यमंत्री तात्काळ दखल घेतात आणि आदेश देतात। 3 दिवस झाले माननीय मुख्यमंत्री कुठलेही पंचनाम्याचे आदेश देत नाही, स्थानिक पालकमंत्री दौरे करत नाही, जिल्हाधिकारी शांत बसलेले आहेत। जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्री जोपर्यंत दौरे करणार नाही तोपर्यंत पंचनामे होणार नाही, पंचनाम्याचे आदेश काढले नाही। मला वाटतं या सरकारला दिवसभर पॉलिटिक्स करता वेळ आहे, पण शेतकऱ्यावर झालेल्या अन्यायाकरता वेळ नाही। उद्धव ठाकरेजी म्हटले होते की बांधावर जाऊन नुकसान भरपाई देऊ, आता बांधही गेला आणि पंचनामाही गेला। माझी मागणी सरकारला आहे की तुमच्या थोडीशी त्या ठिकाणी जर संवेदनशीलता असेल तर तातडीनं आजच्याच पालकमंत्री सर्व पालकमंत्र्यांनी दौरे केले पाहिजे, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दौरे केले पाहिजे. नुसतं बसून त्या ठिकाणी प्रशासन चालवणं काही योग्य नाही आहे. प्रशासनातले जिल्हाधिकारी आणि जर पालकमंत्री जात नसेल तर त्या ठिकाणी निर्णय न्याय होणार नाही. आज संपूर्ण 50,000च्या एकरी नुकसान मोसंबीचं झालं, संत्र्याचं झालं, पालेभाज्यात गेल्या, अनेक मोठ्या प्रमाणात कापूस गेला आहे. त्यामुळं सरकारने तातडीनं नुकसान भरपाई दिली पाहिजे आणि आपलं आश्वासन जे उद्धव ठाकरेजींनी दिलं ते पूर्ण केलं पाहिजे. मला कळत नाही की 3 दिवस झाले उद्धव ठाकरेजींना हे कळवलं की नाही कळवलं की विदर्भात गारपीट झाली, किंवा कळवलं असेल त्यांना विदर्भाचं काही घेणं देणं आहे का नाही आहे, आणि त्यामुळे याच्याही त्या ठिकाणी तपास केला पाहिजे. माझी विनंती आपल्या माध्यमातून आहे की सरकारने जागा झालं पाहिजे. केंद्रीय खनिज कानून को राज्य सरकार ने स्थगित किया है. इस संबंध में राज्यपाल और केंद्र सरकार के पास शिकायत करेंगे. साथ ही उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की जाएगी. ऐसी जानकारी विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने दी. केंद्र सरकार के खनिज निधि का सही तरीके से उपयोग हो, इसलिए केंद्र सरकार ने 23 अप्रैल 2021 को कानून में कुछ सुधार किया, लेकिन राज्य सरकार ने इस कानून को एक पत्र भेजकर स्थगित कर दिया. खनिज निधि में अनियमितता करने के लिए ही इसे स्थगित किया गया है, ऐसा आरोप विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने लगाया. इस संबंध में राज्यपाल और केंद्रीय खनिज मंत्रालय के पास शिकायत करेंगे. साथ ही उच्च न्यायालय में भी स्थगिति के खिलाफ याचिका दायर करेंगे, ऐसी जानकारी विधायक बावनकुले ने एक पत्र परिषद में दी. केंद्र शासनाचा खनिज कायदा है, हा राज्य सरकारचा कायदा नहीं. केंद्र सरकारच्या खनिज कायद्यामध्ये जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान तयार करण्यात आलं. 23 एप्रिल 2021 ला केंद्र सरकारने कायद्यात दुरुस्ती करून जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष कलेक्टर असावे. सर्व लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्य त्यामध्ये असावे आणि ज्या नियमाप्रमाणे या खनिज विकास प्रतिष्ठानाच्या माध्यमातून केंद्राने केंद्रीय कायद्याने वसूल केलेला खनिज निधी हा कायदेशीर वापरावा याकरता प्रतिष्ठान तयार झालं. पण या सरकारला खनिज विकास निधीमध्ये जो केंद्राच्या कायद्याने निधी मिळतो त्या निधीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार करायचा आहे, अनियमितता करायची आहे आणि म्हणून या सरकारने केंद्राच्या कायद्याला स्थगिती देणे यापेक्षा नियमबाह्य काम कोणतंच राहू शकत नाही. 24/12/2021 ला या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या उद्योग विभागाने या कायद्याला एक पत्राद्वारे स्थगिती दिली. अत्यंत नियमबाह्य काम भ्रष्टाचार करण्याकरता, अनियमितता करण्याकरता तयार केलं आणि म्हणून मी महाविकास आघाडी सरकारची तक्रार आधी राज्यपालाकडे करणार की राज्यपालांनी या सरकारने जे नियमबाह्य काम केले याच्यावर कारवाई करावी. केंद्राकडे मी तक्रार करणार, केंद्रीय खाण मंत्रालयाकडे, केंद्रीय खनिज मंत्रालयाकडे आणि नंतर मग उच्च न्यायालयात सुद्धा जाणार. पण या सरकारने जे भ्रष्टाचाराचा अड्डा बनवलेला आहे, अनियमितता करण्याचा अड्डा बनवलेला आहे, नियमबाह्य काम करण्याचा अड्डा बनवलेला आहे, हे आम्ही होऊ देणार नाही आणि या सरकारच्या या अशा खोट्या कामाला आम्ही सोडणार नाही. हे जे पत्र जे दिलेला आहे. भाजपा ने ही ओबीसीओ को सर्वाधिक न्याय दिया है, यह कहना है विधायक चंद्रशेखर बावनकुले का. ओबीसीओं को न्याय देकर विकास के मुख्य प्रभाव में लाने का काम भाजपा ने ही किया है, इसलिए भाजपा ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाने वालों को जनता अच्छा सबक सिखाएगी, ऐसा विश्वास विधायक चंद्रशेखर बावनकुले ने जताया. भारतीय जनता पक्षामध्ये सर्वात जास्त ओबीसी समाजाला न्याय मिळाला आहे. माननीय देशाचे पंतप्रधान स्वतः ओबीसी आहे. मागच्या मंत्रिमंडळात बघा, देशाच्या मंत्रिमंडळात अनेक 27च्या वर मंत्री ओबीसी घेतले. केंद्रामध्ये ओबीसी करता अनेक निर्णय केंद्र सरकारने केले. आता सुप्रीम कोर्टमध्ये केंद्र सरकार भांडलं तेव्हा वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना आणि त्या ठिकाणी नॉन क्रिमिनलच्या मुलांना त्या ठिकाणी सवलत मिळाली. राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना ओबीसी मंत्रालय तयार केलं. अनेक ओबीसी मंत्री राज्यामध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये आलेत आणि एखाद्याचं कुठं पोटात दुखलं त्यांचा व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ण झाला नाही म्हणून भारतीय जनता पार्टी ओबीसी अन्याय करताय असा कांगावा करणारे आपल्या स्वार्थाकरता करतायत। खऱ्या अर्थाने माझी त्यांना विनंती आहे की तुमचा व्यक्तिगत स्वार्थ असेल तर तुम्ही तुमच्या पक्षात जा, पण ओबीसी भारतीय जनता पक्ष हा ओबीसी विरोधी आहे असं बोलणं काही योग्य नाही आहे। जनता त्यांना धडा शिकवेल। भारतीय जनता पार्टीने नेहमीच ओबीसीला मोठं केलं आहे, ओबीसी समाजाला न्याय दिला आहे आणि आज महाराष्ट्रात जे मोठं नेतृत्व आहे अनेक ठिकाणी आज दिल्लीमध्ये केंद्रामध्ये राज्यामध्ये हे ओबीसी समाजाला केवळ भारतीय जनता पार्टी दिला आहे आणि त्यामुळे स्वतःच्या स्वार्थाकरता कुणी गेलं त्यांनी ओबीसी समाजावर भाजप अन्याय करते असं बोलून जाऊ नका। तुमचा स्वार्थ कळवा आणि नंतर त्या ठिकाणी असे असा शब्द प्रयोग करा। महाराष्ट्र राज्य में पिछले 2 महीनों से एसटी कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। एसटी बस के पहिए थमे हुए हैं जिससे राज्य सरकार के साथ साथ यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई अहम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं सोमवार को मुंबई में एसटी कर्मचारियों के आंदोलन के निपटारे को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और मंत्री अनिल परब के साथ एक अहम बैठक हुई जिससे एसटी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखकर कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील की थी, लेकिन एसटी कर्मचारियों ने महामंडल के प्रतिनिधियों की बात सुनने से साफ मना कर दिया और राज्य सरकार में विलीनीकरण की मांग जारी रखी है। हमेशा से सड़कों पर दौड़ने वाली लाल परी यानी एसटी बस के पहिए पिछले 2 महीनों से महाराष्ट्र में थम गए हैं। एसटी कर्मचारी अपनी वेतन वृद्धि के साथ ही राज्य सरकार में शामिल होने की मांग करते हुए पिछले 2 महीने से काम बंदा आंदोलन पर है। इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा नुकसान आम यात्रियों को हो रहा है, साथ ही राज्य सरकार को भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। अब तक एसटी बसें बंद होने से करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है। वही ऐसा ही नुकसान एसटी कर्मचारी भी झेल रहे हैं। आंदोलन के चलते हजारों कर्मचारियों को निलंबित किया गया। ऐसे में उन पर अपने परिवार के पालन पोषण की भी जिम्मेदारी है। परिवार का पेट कैसे भरे इसकी चिंता उन्हें सताई जा रही है। वही कई कर्मचारियों ने तो इस चिंता से परेशान होकर आत्महत्या तक कर ली। फिर भी राज्य सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन कर्मचारियों के वेतन में कुछ प्रतिशत की वृद्धि जरूर की, लेकिन कर्मचारियों को बस इतना मंजूर नहीं है। उन्होंने एसटी परिवहन महामंडल को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग पकड़ रखी है। वहीं सोमवार को मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के निपटारे को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक के दौरान एसटी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार और परिवहन मंत्री अनिल परब से चर्चा की। लंबी चर्चा के बाद प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में विभिन्न एसटी कर्मचारी संघों के प्रतिनिधियों ने एसटी कर्मचारियों से तत्काल कार्यभार ग्रहण करने की अपील की थी, लेकिन एसटी कर्मचारियों ने महामंडल के प्रतिनिधियों की बात को सुनने से साफ मना कर दिया। साथ ही अपनी पुरानी मांग यानी एसटी महामंडल को राज्य सरकार में शामिल करने की मांग बरकरार रखी है। या तुमच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की सर्व बांधवांना की भावानो तुम्ही यांच्या कुठल्या बोलतापाला बळी पडू नका आणि बळी पडला असालच तरीही तुम्हाला परत येण्याला अजूनही रस्ता मोकळा आहे, तर त्या रस्त्यावर तुम्ही परत वापस या। तुम्हाला अजूनही 15 तारखेपर्यंत मुभा दिलेली आहे। आम्ही साहेबांनी असून दे किंवा सर्वांनीच मिळून आम्ही तुम्हाला मुभा दिलेली आहे, तर तुम्ही त्या दुकोट्यामध्ये सामील होण्यासाठी 15 तारखेपर्यंत का असेल आपण तुम्ही लोक वापस या, त्यामुळे तुमचं कुठलंही नुकसान होणार नाही याची आम्ही या आझाद मैदानावरून तुम्हाला पहिली गवाही देऊ इच्छितो। दुसरी गोष्ट, जी काही मीटिंग झाली ही मीटिंग तुम्हाला माहिती पाहिजे कुठल्याही कायद्यात बसत नाही, नाही त्यांच्या पाठीमागे कुठले कर्मचारी आहेत, नाही त्यांच्या पाठीमागे कुठल्या संघटना आहेत, नाही त्यांच्यावर कुठलंच काय राहिलं नाही। सर सर्व संघटना या प्रकाश झालेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांचं कुठंच काय कोर्टामध्ये सुद्धा काय येत नाही, नाही कुठे त्यांच्या मंडळामध्ये सुद्धा काय येऊ शकत नाही। तर मित्रहो, तुम्हाला मी या मैदानावरून खात्री करून सांगतो, आजही तुम्हाला वारंवार सांगतो, तुम्ही तुमच्या ताटामध्ये विष घालण्याचा प्रयत्न करू नका, तुमच्या भावांच्या ताटामध्ये विष घालण्याचा प्रयत्न करू नका। काल रात्रीसुद्धा आमचा एक भाऊ जवळजवळ 2 दिवसामध्ये आज जवळजवळ 5 बांधव आमच्यापासून निघून गेले आहेत। त्यांच्या परिवारामध्ये तुम्ही त्यांच्या परिवाराच्या ताटामध्ये तुम्ही विष घालवायचा प्रयत्न केलात, तो प्रयत्न तुम्ही सोडा। उद्या तुमच्यावर हा जर प्रसंग जर आला तर तुमच्या बाजूने कोणीही उभे राहणार नाही, नाही इष्टी महामंडळ उभे राहणार की जे अजय गुजर नावाचे व्यक्ती आहेत त्यांची एक कनिष्ठ वेतन श्रेणी संघटना होती आणि त्यांच्या संघटनेपुरतं त्यांनी त्यांचं वकील पत्र काढून घेतलेलं आहे। मग त्यांच्या संघटनेत 2 आहेत का ते स्वतः एकटेच आहेत माहीत नाही आम्हाला, पण एक व्यक्ती जर त्याच्या व्यक्तिगत विषयी बोलू शकतो तर त्याला अधिकार नाही की तो 92,000 कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं बोलतोय। आमचं वकीलपत्र हे आम्ही सदावर्ती साहेबांच्या नावे दाखल केलेलं आहे आणि ते मान्य करून ते आज आमच्यासाठी लढता आहेत म्हटल्यानंतर आमचं वकीलपत्र आम्ही दुसऱ्याला देण्याचा प्रश्नच येत नाही। आमची कामगारांची पूर्ण आमच्या सह्यानिशीची प्रत आम्ही दाखल केलेली आहे सदावर्ती साहेबांकडे आणि ते श्वासात श्वास असेपर्यंत साहेब आमचा लढा हा विलीनीकरणापर्यंत विलीनीकरणाचं यश आम्हाला देऊनच संपवणार आहेत। याचं आम्हाला पूर्ण आत्मविश्वास सदावर्ती साहेबांवर आहे आणि आमचा भविष्यात लढा हा विलीनीकरणाचा विजय होणारच आहे। आम्ही विलीनीकरण घेणारच आहे। कोण कितीही भूलथापा टाकल्या, कोण कितीही फसव्या नोटिसा दिल्या, आमचा कामगार त्याला बळी पडणार नाही। तुम्ही म्हणताय की कामावर लोक हजर होत आहेत, पण तुमच्या माध्यमातून मी एवढंच सांगू इच्छिते की जे 1-2 लोक जे संघटनेच्या ताटाखालचं लाचार पुत्र बनलेले होते तेच लोक आज कामावर आहेत। त्यांना सोडून इतर कुणीही कामावर नाही। माझा 92,000 कर्मचारी हा विलीनीकरणावर ठाम आहे आणि विलीनीकरण घेईपर्यंत ठामच राहणार आहे। मुंबई के आज़ाद मैदान में हड़ताल पर बैठे एसटी कर्मचारियों का कहना है कि सभी महामंडल के प्रतिनिधि सरकार के साथ मिले हैं और अब कोई भी राजनेता उन्हें न्याय नहीं दिलाएगा। उन्हें न्याय के लिए कोर्ट ही जाना होगा और कोर्ट के जरिए ही उन्हें न्याय मिलेगा। 92,000 में से कुछ कर्मचारी लौटे थे, लेकिन वो भी सरकार की राजनीति समझ गए हैं, इसलिए फिर से वे आंदोलन में शामिल हो गए हैं, ऐसी जानकारी आंदोलनकर्ताओं ने दी। कर्मचारी ड्यूटीवर कोणी जात नाही। आता कालच्या प्रकारामध्ये एक असा प्रकार उघड झाला की एवढ्या मोठ्या नेत्यांनी एवढी मोठी त्या मीटिंगचा गाजावाजा केला। जसं काय संपूर्ण एसटी महामंडळाचा उद्धार होतो की काय, जसं काय सर्व एसटीया नवीन निकत घेऊन त्या ठिकाणी सर्व एसटी महामंडळ काय नवीन चालू होती की काय, अशा प्रकारे मोठा गाजावाजा करून त्या ठिकाणी त्यांनी एसट्या काढण्याचा प्रयत्न केला। कामगारांना आवाहन केलं की तुम्ही कामावर या, तुमच्यावर ज्या कारवाई आम्ही मागे घेऊ। फक्त तोंडानं सांगलं, कुठं परिपत्रक काढणे नाही, काहीच नाही। तुमची पगार वाढवू, कुठं वाढवू, कशी वाढवू, काही मिळ नाही। त्याच्यामुळे कोणता आमचा कर्मचारी त्यांच्या त्या भूलथापाला बळी पडायला तयार नाही आणि त्यांचा तेवढा गाजावाजा करून कालच्या शेवटी एक असा आकडा समोर आला की राज्यामध्ये 353 कर्मचारी नव्याने एसटीवर कामावर रुजू। कर्मचारी त्या ठिकाणी धुकड्यात बसलेत किती। आता संघटनेला पण कळून चुकलं की त्यांच्या मागे आमचा एकही कर्मचारी जाणार नाही आणि जे कोणी वरिष्ठ होते ज्यांनी बैठक घडवून आणली होती त्यांना पण समजून चुकलं की आता एकही कर्मचारी 92,000 कर्मचाऱ्यांमधला एकही कर्मचारी या दुखवट्यातून बाहेर जाणार नाही। उलट जे कर्मचारी आमचे भूलथापाला बळी पडून किंवा भीतीपोटी किंवा प्रशासनाच्या कारवाईच्या भीतीपोटी जे कोणी गेलेले होते 1,000-2,000 कर्मचारी, त्यामधले 1,000-1,500 कर्मचारी परत आलेले आहेत आणि कालच्या घटनेपासून उलट आमचे कर्मचारी विलीनीकरणावर प्रत्यक्षात ठाम झालेले आहेत। त्यांना आता कळून चुकलेलं आहे की आपल्याला न्याय हा फक्त कोर्टाद्वारे आणि कायद्याद्वारेच मिळू शकतोय। आपल्याला कोणतीही राजकारणी व्यक्ती देऊ शकत नाही हे विलीनीकरण। आणि मला तर असं म्हणायचं आहे की ही जी चर्चा करण्याचा अधिकार आहे हा चर्चा करण्याचा अधिकार फक्त कर्मचारी आणि मुख्यमंत्री साहेबांना आहे। दुसऱ्या कुणीही चर्चा करू नये। जरी ते आमचे वरिष्ठ असतील तरी त्यांनी वरिष्ठांनी त्यांचा फक्त सल्ला द्यावा, अशा बैठका घडवून आणू नयेत आणि असं कोणतंही कृत्य करू नये की त्यामुळं आमच्या ज्या कर्मचारी आहेत त्यांच्या भावना दुखावल्या जातील आणि आमचे कर्मचारी जे आहेत ते विलीनीकरणावर ठाम आहेत। त्यांच्या आता चॉकलेट बिस्किटावर आमचा कोणताही कर्मचारी कामावर जाणार नाही। उलट कालच्या घटनेपासून जेवढे भी आमचे कर्मचारी होते ते परत। तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।